ब्यूटी पार्लर गई है, हेयर स्पा करवाने है। हेयर स्पा करवाने? शी भैया शायद पप्पू ने है ना बोटिंग किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डायपर चेंज कर लो, मुझे बहुत बदबू आ रही है भैया, प्लीज वो आप चेंज कर दो ना। मजा आ रहा है ना मेरी परेशानी देख के, ऑफिस में बॉस का टेंशन और यहाँ ये सब। हाँ भाई हाँ, काम कर ले और वो उमंग
साला प्रमोशन में प्रमोशन लेते जा रहा है। उसका नाम मत ले अभी, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान में हूँ। और किया रहेगा उसने कुछ काम तभी तो मिला उसको प्रमोशन। हाँ हाँ करता है ना बहुत काम, 6 घंटे ऑफिस आता है और उसमें से भी आधा टाइम तो कैफेटेरिया में जाता है और बचा आधा टाइम मैनेजर को बटरिंग करता रहता है, उल्लू का पट्टा। किया रहेगा काम और बॉस के साथ भी तो वो काम की ही बात कर रहा होगा, ये भी तो पॉसिबल है। काम की बात है बॉस के साथ। तुम दोनों ने एक ही साथ एक ही दिन पे ज्वाइन किया और वो भी सेम पोस्ट पे, जल्दी वो तेरा मैनेजर बन जाएगा। फिर तू अपनी वो 100 सीसी वाली मोटरसाइकिल चलाते रहना और वो एक लग्जरियस सेडान कार में क्रेजी ड्राइव का मजा ले रहा होगा। तू एक 1 BHK रूम में 3 लोगों के साथ शेयरिंग करके रहना और उसका एक आलीशान 2 BHK फ्लैट रहेगा और उसमें वो रहेगा। उसको आता तो कुछ नहीं है, पता नहीं कौन से पुणे की घटिया कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लिया उसने, कैसे घुस गया इस कंपनी में, जरूर उसने कुछ किसी की पहचान होगी बड़ी वाली और घुस गया कंपनी में। हाँ बट मेरे को भी तो प्रमोशन मिला था ना, मेरे को भी लास्ट ईयर प्रमोशन। प्रमोशंस 3 साल में एक ही बार प्रमोशन और उसको ये दूसरा प्रमोशन है उसका। हाँ यार ऐसे हर वक्त ऐसा ही होता है, वहाँ कॉलेज में भी लोग कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आते थे और ऐश भी इतनी करते थे, मन कर रहा है मारूं सबको। अरे हाँ यार घर पर भी कॉलेज में भी ऑफिस में भी यही हो रहा है मेरे साथ। तेरा छोटा भाई 15-20 हज़ार क्या ज्यादा कमा रहा है, सारी मली वही खा रहा है और सुना है आजकल उसके रिश्ते के बारे में बात चल रही है और तू रह जाएगा बाकी। If you want to grow in your life, then don't shorten the line of others. Just make your line longer and bigger. इसी में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। धन्यवाद देवजी, धन्यवाद।